केलारस पुलिस ने हत्या के आरोपियों को 24 घंटे में किया गिरफ्तार। मामला सेमी चौराहा डीजल पंप का है, जहां द्वारका धाकर नौकरी करता था, उसकी रात की ड्यूटी थी। उसी दौरान गांव सेमी के दो लड़के महेंद्र धाकड़ और जीतू धाकड़ आए और द्वारका से कहा कि हमको वाटर कूलर से पानी लेना है, तो द्वारका ने मना कर दिया और कहा तुम लोग शराब की बोतल यही छोड़ जाते हो और गंदगी करते हो, जिस पर गुस्साए आरोपियों ने उसके हथियार और फरसा डंडों से मारपीट कर दी। द्वारका को बचाने के लिए कई लोग आए तो आरोपियों ने उनकी भी मारपीट कर दी, जिसमें राम विलास धाकड़ उम्र 44 निवासी सेमई की मौत हो गई और दो घायलों को केलारस अस्पताल ले जाया गया, उनका इलाज मुरैना में चल रहा है। केलारस पुलिस ने श्री राम धाकड़ की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 543/19 हत्या का मामला दर्ज किया गया है। केलारस पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते ही 6 लोगों को केलारस पुलिस ने दबिश देकर पकड़ लिया है। वहीं दो आरोपी जीतू धाकड़ धर्मेंद्र धाकड़ की सरगमी से पुलिस तलाश में जुटी है। पुलिस ने जिन 6 आरोपियों को पकड़ा है वे सेमई निवासी हैं। इस हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने में केलारस पुलिस के थाना प्रभारी के एन त्रिपाठी, एन के शर्मा, SI वीर सिंह जोनवार, SI पारस सिंह परिहार, SI सौरभ तोमर, साकिर पठान आरक्षक आदि की अहम भूमिका है, जिनकी मदद से हत्या के आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया। दिनांक 12/9/19 को 7:30 बजे सेमई चौराहे पर पेट्रोल पंप के सामने की घटना है। दौड़कर जो पेट्रोल पंप का कार्य करता था, दौड़कर धाकर के सामने ही एक दुकान है, जो कमल अपने दो साथियों के साथ वाटर कूलर पर पानी लेने आया कि दौड़का ने मना किया कि यहाँ पर गर्मी पॉलिथिन डाल जाते हो, यहाँ पानी लेने मत आया करो। इसी बात को लेकर के कोमल अपने परिवार वालों को बुलाकर बुलाया, इधर उधर दौड़का ने भी अपने परिवार वालों को बुलाया, झगड़ा होता तो एक राय होता कि हथियारों से सुसज्जित होकर के माँ के जीतू नरेन सुरेन महेंद्र सुरजीत धर्मेंद्र जो कौन सी जाति के हैं सर, ये धाकर समाज के सभी एक राय होकर के आए और दौड़का के परिवार वालों की मारपीट करी। उसी में जो रामदास और श्री राम धाकर काफ़ी रुचि गंभीर रूप से घायल हो गए, खून देने लगा, तब जो है श्री राम धाकर अपने भाई रामदास को लेकर के अस्पताल आया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि अस्पताल पहुंच गए लोग, अस्पताल जाकर को देखा तो रामदास बेहोशी हालत में स्ट्रेचर पर पड़ा था। श्री राम धाकर के सर में काफ़ी चोट थी, सभी का मेडिकल कराया, श्री राम की रिपोर्ट पर से प्रकरण पंजीकृत हुआ। उसके पहले जो है डॉक्टर साहब की सलाह दी गई, पूछा गया तो डॉक्टर ने रामदास को मृत घोषित कर दिया। देहाती नालकी पर प्रथम पंजीकृत हत्या कर किया गया और 24 घंटे के अंदर 6 आरोपी गिरफ्तार हो गए। धर्मेंद्र जितेन माँ होता है ना शेष है, अपराध क्रमांक 543/19 का प्रथम पंजीकृत होकर निच नाम है। थैंक यू सर।